महामारी के इस गंभीर दौर में पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स फील्ड में ड्यूटी कर आम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन मानवीयता के नाते अपनी एक अलग भूमिका भी निभा रहे हैं। जहां 8 साल के एक मासूम बच्चे की माँ कोविड पॉजिटिव आई तो बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया, इधर अकेले संभाल रहे पिता ने माँ को जानकारी दी तो वह कोविड सेंटर से बेटे को मनाने लगी, फिर भी वह राजी नहीं हुआ। परेशान माँ को पता था कि वह इंदौर में जब भी माता पिता के साथ घूमने निकलता था तो चौराहे पर खड़े जवान रंजीत को डांसिंग ड्यूटी करते देख खुश हो जाता था। इस पर माँ ने कोविड सेंटर से मदद लेकर कांस्टेबल रंजीत का नंबर निकाला और उससे बात की, परेशानी बताई तो कांस्टेबल रंजीत ने भी पूरे परिवार की मदद की है। मेरा नाम बिंदिया शर्मा है। मुझे कोरोना हो गया था, इसीलिए इलाज के लिए मुझे राधास्वामी कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां पर मैं 5 से 7 दिन एडमिट रही। इस दौरान घर पे बच्चे काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि माँ के चले जाने से घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। मेरा छोटा बेटा है 8 साल का, वो बहुत उदास हो गया था। फेसबुक के माध्यम से मुझे पता लगा रंजीत भैया किस तरह लोगों के चेहरों पे खुशी ला रहे हैं। मेरा बेटा भी मोहक, जिसका नाम है, वो रंजीत भैया का बहुत फैन है, बहुत खुश होता है उनको देख करके। जब भी वो कहीं उसको दिखाई देते हैं तो बहुत खुश होता है। मैंने रंजीत भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं हूँ और इसलिए उदास हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। भैया ने मेरी बात का सम्मान रखा, मेरे बेटे से वीडियो कॉल पे और कॉल पे बात तो की ही, साथ ही उसको खाना भी पहुँचाया। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। रंजीत भैया आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ ला रहे हैं। इस परेशानी के दौर में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। कल मेरी लाइफ में एक अजीब सा एक को मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर ऐसी उम्मीदें साथ हम लोग को और पॉजिटिव बनाती है और हिम्मत देती हैं। एक माँ जो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका फ़ोन आया रात में कि उनका बेटा उसके उनके फादर को भी जो कि पॉजिटिव नहीं है, घर के उनके साथ हैं और उनको बहुत खाना नहीं खा रहा है, परेशान कर रहा है और थोड़ा सा विचलित हो रहा है और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन लगा के उसको मोटिवेट करिए और उसकी हेल्प करिए एंड वो खाना नहीं खा रहा है। तो मेरे लिए एक बड़ा मार्मिक क्षण था, मेरे को बड़ा आंखों में आंसू भी आए कि क्या मैं इस तरह भी क्योंकि हम ड्यूटियां करते हैं, हम चौराहे पे बेहतरीन ड्यूटियां करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को हम काम करते हैं, पर किसी के दिल में इतना हम बस जाते हैं कि वो हमें अपना आइडल मान लेता है। और कल का उसकी अनुभूति जो हुई मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत देके गई, तो मैं फिर उसके बच्चे के से मैंने वीडियो कॉल पर बात भी किया, वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने वादा किया कि आप खाना खाऊंगा मैं और मैं वेट करूंगा और आप मेरी मम्मी को लेके आओगे तो खाना खाऊंगा मैं। एंड देन मैंने उसको बोला कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को लेके आऊँगा एंड फिर नेक्स्ट डे मैं उसके लिए खाना भी लेके गया और होपफुली अच्छा लगा कि वो उसके फादर ने मुझसे बोला कि सर आपके एक फ़ोन की वजह से मेरे घर का पूरा माहौल बदल गया है और बच्चा खुश हो गया है और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हिम्मत आ गई है और वो अपने मम्मा का वेट कर रहा है और वो जो पैनिक हो रहा था वो पैनिक नहीं हो रहा। सब यकीन मानिए बहुत बहुत खुशी।